घनघोर परेशानियों से भी वो परेशान नहीं होता। घनघोर परेशानियों से भी वो परेशान नहीं होता। मर्द पुरुष आदमी होना आसान नहीं होता। मर्द पुरुष आदमी होना आसान नहीं होता। सुनिएगा कि स्कूल में मार्क्स का तो कंपटीशन में अवार्ड्स का, कॉलेज में टशन का तो साथियों के फैशन का, सितारों के ख्यालों का तो करियर के सवालों का, बेलन चकलोटा और कढ़ाई का तो बच्चों की पढ़ाई का, इंश्योरेंस के प्रोज एंड कॉन्स का तो भारी भरकम लोन का, मिस सेलेनस खर्च आदि का तो रिश्तेदारों के घर में शादी का, सफ़ेद हो रही दाढ़ी का तो बुढ़ापे के लिए मजबूत लाठी का, आदमी के सर पे जिम्मेदारियां बहुत सारी है, ये बोझ बहुत भारी है, ये बोझ बहुत भारी है। बड़े दिलचस्प किस्से हैं, उनमें किरदार बुनिएगा, कहानी सुनाता हूँ, सुनिएगा। एक 15 साल का बच्चा सपनों की पुड़िया बांध पढ़ने को चल पड़ा। 15 साल का बच्चा सपनों की पुड़िया बांध पढ़ने को चल पड़ा, परीक्षा के भार को मेहनत से तौलने निकल पड़ा, पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। उसका सफ़र उससे कोसों दूर था, पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था, उसका सफ़र उससे कोसों दूर था। फेल हो गया, फेल हो गया और समाज के शिकंजे में फंस गया। लोग क्या कहेंगे कि दलदल में धंस गया, लोग क्या कहेंगे कि दलदल में धंस गया। एक और सितारा जिंदगी के आगे पस्त हो गया, किसी के घर का सूरज उगने से पहले ही अस्त हो गया। सोचता रहा होगा वो, सोचता रहा होगा वो कि ये स्ट्रगल का टाइम कब जाएगा। हर वक्त कूल रहने वाला बंदा अपने ही सपनों के बोझ तले दब जाएगा, हर वक्त कूल रहने वाला बंदा अपने ही सपनों के बोझ तले दब जाएगा। थोड़ी ढील दे दो, अरे थोड़ी ढील दे दो, वो परिंदा बनकर एक दिन उड़ जाएगा, उसका भी नाम शोहरत और बुलंदियों के साथ जुड़ जाएगा। बहुत हार चुके, अब उड़ने की तैयारी है, ये बोझ बहुत भारी है, ये बोझ बहुत भारी है। आदम के जीवन का एक नया दौर सुनो, अभी बहुत बाकी है, एक कहानी और सुनो। खुद के बनाए सिस्टम में भी गफलत हो सकती है, हमेशा आदमी ही गलत नहीं होता, औरत भी गलत हो सकती है। खुद के बनाए सिस्टम में भी गफलत हो सकती है, हमेशा आदमी ही गलत नहीं होता, औरत भी गलत हो सकती है। एक औरत जहाँ खुद को बचाना जानती है, वहीं कहीं कोई साजिश रचाना जानती है। ऐसा नहीं है कि औरत की निंदा नहीं होती, उसे किसी बात की चिंता नहीं होती। माँ बेटी बीवी बहन सब के रूप में उसकी शिद्दत करता हूँ, खुद की करूँ न करूँ उसकी इज्जत करता हूँ। मगर ये कहाँ लिखा है कि आदमी का कोई इम्पैक्ट नहीं होता, ज़्यादा ना हो ना सही, ज़रा भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होता। मगर ये कहाँ लिखा है कि आदमी का कोई इम्पैक्ट नहीं होता, ज़्यादा ना हो ना सही, ज़रा भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होता। बहुत मेहनत के बाद खुद की हस्ती उतारी है, ये बोझ बहुत भारी है, ये बोझ बहुत भारी है। आखिरी पंक्तियों में कविता का निचोड़ सुनाने की कोशिश करूँगा, एकदम लाइटली फील कीजिएगा। छोटी छोटी बातों से ही पुलिंदा बनता है, जिंदा तो सब हैं पर आदमी जीने से ही जिंदा बनता है। छोटी छोटी बातों से ही पुलिंदा बनता है, जिंदा तो सब हैं पर आदमी जीने से ही जिंदा बनता है। अपनों को चैन से सुलाकर खुद रातों नहीं सोता, अगर वो रो रहा है तो पूछो उससे, क्योंकि आदमी यूं ही नहीं रोता। अगर वो रो रहा है तो पूछो उससे, क्योंकि आदमी यूं ही नहीं रोता। बरस लग जाते हैं मोहब्बत का घरौंदा बनाने में, तोड़ मत देना उसे यूं ही अनजाने में। बरस लग जाते हैं मोहब्बत का घरौंदा बनाने में, तोड़ मत देना उसे यूं ही अनजाने में। जिस जिंदगी को तुम खिलौना समझते हो, उसने उसमें पूरी उम्र गुजारी है। जिस जिंदगी को तुम खिलौना समझते हो, उसने उसमें पूरी उम्र गुजारी है। ये बोझ बहुत भारी है, ये बोझ बहुत भारी है। नमस्कार।